Hi dear students, today we discussed about basic English grammar in which we study consonant. दोस्तों आज हम लोग consonant के बारे में चर्चा करेंगे जो काफ़ी important है और वो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद भी है। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं consonant. देखिए consonant. कंसोनेंट मीन्स होता है व्यंजन वर्ण, डियर स्टूडेंट फर्स्ट वी नो डेफिनेशन ऑफ कंसोनेंट. लेट्स स्टार्ट इलिटो व्हिच इज प्रोनाउंस्ड which is pronounced articulated with friction is called consonant. कंसोनेंट दो मिनट रुक जाएगा दोस्तों. ए लेटर विच इज प्रोनाउंस्ड आर्टिकुलेटेड विथ फ्रिक्शन इज कॉल्ड कंसोनेंट. इसका हिंदी हुआ वैसा अक्षर जो श्वास लेने में घर्षण के साथ उत्पन्न होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कंसोनेंट बोलते हैं. कंसोनेंट इसको दूसरा डेफिनेशन ये भी दे सकते हैं, ए लेटर इज कॉल्ड कंसोनेंट. यानी जिन अक्षरों का उच्चारण स्वर ध्वनि के सहायता से होता है उसे भी हम कंसोनेंट कहते हैं. डियर फ्रेंड्स कंसोनेंट जो होता है वो टोटल एक्स और जेड ये 19 कंसोनेंट होते हैं. और आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, कंसोनेंट साउंड वो होते हैं आपका 25, यानी कंसोनेंट साउंड 25 होते हैं और कंसोनेंट 19 होते हैं. तो दोस्तों आज यहीं तक रहने दीजिए, नेक्स्ट डे हम लोग इससे आगे चलेंगे और एक क्लास में मैं आप लोग को साउंड पढ़ाने की कोशिश करूँगा. थैंक यू, सी यू लेटर, बाय.